तो कहानी की शुरुआत में हम सुजैन नाम की लेडी को देखते हैं, जो कि एक आर्ट गैलरी की ऑनर होती है और वो काफी आलिशान बंगले में रहा करती थी। तभी वहाँ पर क्रिस्टोफर नाम का आदमी एक पैकेज लेकर आता है और वो सुजैन को बताता है, मैम आपके लिए मॉर्निंग में एक पैकेज आया है। आगे सुजैन उस पैकेज को ओपन करने लगती है, तभी उसका हाथ कट जाता है। तब क्रिस्टोफर आकर सुजैन की वो पैकेट खोलने में मदद करता है, तो वो देखता है उस पैकेट में एक लेटर था जो कि सुजैन के लिए था। क्रिस्टोफर सुजैन से पूछकर उस लेटर को उसके लिए पढ़ने लगता है। उस लेटर में लिखा हुआ था, डियर सुजैन, ये नॉवेल जल्दी पब्लिश होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि इस नॉवेल को सबसे पहले तुम मेरे लिए पढ़ो। मैं अगले वीक एलए एक बिजनेस मीटिंग के लिए आने वाला हूँ। अगर ये नॉवेल तुम्हें अच्छी लगे और उसके बाद तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो तुम मुझसे मिल सकती हो। मेरा फोन नंबर और ईमेल आईडी नीचे लिखा हुआ है। उस लेटर के साथ साथ एडवर्ड ने सुजैन को एक मैन्युस्क्रिप्ट भी भेजी थी उसकी नॉवेल की, जो नॉवेल अभी तक बाजार में नहीं आई थी। एडवर्ड चाहता था कि वो नॉवेल सबसे पहले सुजैन पढ़े और उसके बाद वो उससे मिलेगा। एक्चुअल में एडवर्ड सुजैन का एक्स हस्बैंड था और सुजैन ने अब एडवर्ड को छोड़कर एक दूसरे आदमी से शादी कर ली थी और वो अब उसी के साथ रह रही थी। आगे घर में हटन नाम का आदमी आता है जो कि सुजैन का हस्बैंड था और हटन सुजैन को पैकेज दिखाकर कहता है, ये सब क्या है? तब सुजैन कहती है, ये नॉवेल की मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि मुझे एडवर्ड ने भेजी है। तब हटन कहता है, एडवर्ड कौन है? तब सुजैन कहती है, एडवर्ड मेरा एक्स हस्बैंड है, क्या तुम उसे नहीं जानते हो? तब हटन कहता है, मैं नहीं जानता, वो लिखता भी था, क्या तुमने पिछले 20 सालों में कभी उससे बात की है? तब सुजैन कहती है, 20 नहीं, मुझे उसे छोड़े 19 साल हुए है। मैंने कुछ साल पहले उसे कॉल करने की कोशिश की थी पर मेरी उससे बात नहीं हो पाई। मुझे लगता है वो किसी स्कूल में बच्चों को इंग्लिश सिखाता है, पर दुख वाली बात यह है उसने अभी तक भी किसी और से शादी नहीं की। ये सब छोड़ो, तुम पिछली रात गैलरी में क्यों नहीं आए? तब हुटन कहता है, सॉरी मैं टाइम नहीं निकाल पाया। तब सुजैन कहती है, तुम्हें बस 15 मिनट के लिए वहाँ पर मौजूद रहना था, वो भी मेरे लिए काफी रहते। सुजैन इस बात से दुखी रहने लगी थी कि हुटन आजकल उसे टाइम नहीं देता। तब सुजैन हुटन से कहती है, क्यों ना हम लोग इस वीकेंड बीच हाउस चले ताकि हम दोनों वहाँ पर कुछ समय साथ बिता सके। तब हुटन कहता है, मैं इस वीकेंड नहीं चल सकता, मुझे बिजनेस के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाना है। इस बात को सुनकर सुजैन को काफी बुरा लगता है। मूवी के अगले सीन में हुटन काम के सिलसिले में बाहर जा रहा होता है, तब सुजैन उसे बाय कहने आती है और वो उसे बाय कहके वहाँ से निकल जाता है। आगे सुजैन घर आकर उस नॉवेल को पढ़ने लगती है जो कि एडवर्ड ने उसी के लिए लिखी थी, जिस नॉवेल का नाम एडवर्ड ने नॉक्टर्नल एनिमल्स रखा था। और इस नॉवेल में एक ही फैमिली के तीन लोगों की कहानी को बताया जाता है, जिसमें टोनी नाम का आदमी होता है और उसकी वाइफ का नाम लोरा होता है और उन दोनों की एक बेटी भी होती है जिसका नाम इंडिया होता है। ये तीनों लोग किसी ट्रिप पर जा रहे होते हैं और वो अपना सामान अपनी गाड़ी में रखते हैं और वो तीनों ही अपने आगे के सफर के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। और सफर करते करते अंधेरा हो चुका होता है और रास्ते में इंडिया लगातार अपना मोबाइल चला रही होती है। तब टोनी इंडिया को ज्यादा फोन चलाने से मना करता है, तभी अचानक थोड़ी दूर जाने पर इंडिया का फोन नेटवर्क चला जाता है क्योंकि वो लोग आउट ऑफ नेटवर्क एरिया में पहुंच चुके थे जहां दूर दूर तक कोई भी नेटवर्क नहीं था और सुनसान रास्ते में उन्हें उनके अलावा कोई भी गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। तभी थोड़ी दूर आगे चलने पर उन्हें आगे दो गाड़ियां नजर आती है। तब टोनी उन गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था पर वो दोनों ही गाड़ियां साथ में चल रही थी और टोनी को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दे रही थी। तब टोनी अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता है और उनमें से एक गाड़ी आगे बढ़ जाती है और टोनी अपनी गाड़ी को एक गाड़ी से ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। तभी दूसरी गाड़ी टोनी की गाड़ी के साथ चलने लगी थी और उसके अंदर कुछ लड़के बैठे हुए थे जो हंस रहे थे। तब टोनी अपनी गाड़ी को आगे लेकर निकल जाता है और आगे जाकर इंडिया अपनी कार से पीछे चलने वाले उन लड़कों को मिडिल फिंगर दिखाती है। तब लोरा इंडिया को ऐसा करने से मना करती है। मिडिल फिंगर दिखाने के कारण कार में बैठे वो लड़के भी ऑफेंड हो जाते हैं और वो अपनी कार को तेजी से टोनी की कार के पास लाकर अपनी कार को टोनी की कार से टक्कर मारने लगते हैं और टोनी को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं, पर टोनी अपनी गाड़ी को रोकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था क्योंकि उसकी कार में उसकी वाइफ और उसकी बेटी थी जिन्हें उन लड़कों से खतरा था। वो लोग लगातार टोनी की गाड़ी में अपनी गाड़ी ठोक रहे थे और टोनी की गाड़ी रोड से नीचे उतर जाती है और उन लड़कों की गाड़ी टोनी की गाड़ी के आगे जाकर रुक जाती है। टोनी, उसकी वाइफ और उसकी बेटी तीनों ही अब बहुत ज्यादा डर गए थे। आगे उन लड़कों की गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलता है और वो टोनी की गाड़ी के पास में आकर टोनी से कहता है, मैंने तुम्हें गाड़ी रोकने के लिए कहा था तो तुमने अपनी गाड़ी क्यों नहीं रोकी? हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और तुम अपनी गाड़ी भगाने लग गए। तुम ऐसे एक्सीडेंट सीन से नहीं भाग सकते, ये एक क्राइम है। तब लोरा कहती है, तो तुम इतनी तेजी से गाड़ी क्यों चला रहे थे? ये सब सुनकर रे नाम का आदमी अपने और दोस्तों को भी बाहर बुला लेता है और वो सभी अपनी गाड़ी से निकलकर टोनी की गाड़ी को घेर लेते हैं, जिसके कारण लोरा और इंडिया अब डरने लगे थे।
तब टोनी रे से कहता है हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए ताकि मामला सॉल्व हो सके। तब वो लोग कहते हैं यहाँ पर फोन का नेटवर्क नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तभी उनमें से एक आदमी कहता है रे इसकी गाड़ी का टायर तो पंचर हो चुका है। तब वो लोग देखते हैं कि सचमुच टोनी की गाड़ी का एक टायर पंचर हो चुका था। तब रे आकर टोनी को कहता है तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है और तुम अब आगे गाड़ी नहीं ले जा सकते, तुम चाहो तो गाड़ी चलाकर देख सकते हो। तब टोनी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगता है तो उसे सचमुच पता चलता है कि उसकी गाड़ी का टायर सचमुच पंचर था। तब रे कहता है घबराने की कोई बात नहीं, हम तुम्हारी गाड़ी के टायर को चेंज कर देंगे और उसके बाद हम पुलिस के पास जाएंगे और इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखवाएंगे। तब टोनी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो लोग टोनी की गाड़ी का टायर बदलने के लिए अपनी गाड़ी से टूल निकालने लगते है। आगे वो लोग टोनी से कहते हैं तुम्हें अपने डिक्की का लॉक खोल के हमें दूसरा टायर देना होगा। यह सुनकर टोनी अपनी गाड़ी से उतरकर डिक्की को ओपन करता है। तब रे उनसे कहता है लेडीज को कार से उतरना होगा नहीं तो हम टायर नहीं बदल सकते। तब टोनी लोरा और इंडिया दोनों को कार से उतरने के लिए कहता है। लोरा और इंडिया दोनों ही कार से उतर जाते हैं और वो लोग बहुत डर रहे थे। तब रे टोनी को एक तरफ ले जाता है और उससे बहस करने लगता है। तभी वहां से एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है और लोरा और इंडिया उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करते है, पर वो पुलिस की गाड़ी उन लोगों को इग्नोर करते हुए तेजी से वहां से निकल जाती है। तब रे हंसने लगता है और वो लोरा और इंडिया को देखने लगता है। तब टोनी भी रे की हरकतों को देख रहा था तो रे आकर उससे बहस करने लगता है और उसे मारने लगता है। लोरा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तब रे के दोस्त टकर और लू भी वहां आ जाते हैं और वो लोरा और टोनी दोनों को पकड़ लेते हैं और रे इंडिया के साथ बदतमीजी करने लगता है, उसे गलत तरीके से छूने लगता है। तब टोनी आकर बीच बचाव करता है और टकर और लू टोनी को मारते है और रे टकर और लू को जल्दी टायर चेंज करने के लिए कहता है। आगे उन्होंने टायर चेंज कर दिया होता है और रे टोनी से कहता है अब हम पुलिस के पास जाएंगे। तब टोनी कहता है हम कार में जाएंगे, तुम तुम्हारी कार में और हम हमारी कार में। तब रे कहता है तुम फिर चाहते हो हमारी गाड़ी को एक्सीडेंट करना, तुम चाहते हो कि तुम कहीं गाड़ी लेकर आगे निकल जाओ और हम लोग यहाँ पर रेगिस्तान की धूल फाके। मैं तुम्हारा प्लान समझ चुका हूँ, इसलिए ये लेडीज हमारी कार में जाएगी। और ऐसा कहकर रे लोरा और इंडिया को पकड़ने लगता है ताकि वो उन्हें अपनी कार में ले जा सके। तब इंडिया अपने आप को छुड़ाकर उनसे दूर चली जाती है और लोरा भी उसके पास जाती है। तब रे वापस टोनी से बहस करने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है और मौका पाकर लोरा और इंडिया वापस अपनी कार में जाकर बैठने लगते हैं। उसी वक्त रे और टकर भी उस कार में जाकर बैठ जाते हैं और लू टोनी को कार के बाहर ही रोक लेता है और रे और टकर नाम के वो आदमी लोरा और इंडिया को टोनी की आंखों के सामने उसी की कार में लेकर निकल जाते हैं। टोनी अपनी वाइफ और बेटी को देखकर चिल्ला रहा होता है पर वो कुछ नहीं कर पाता और टोनी की वाइफ और बेटी भी उसके सामने चीखते हुए कार में जा रही थी। नॉवेल को इतना पढ़ते ही सुजैन पढ़ते हुए रुक जाती है और वो भी सोचने लगती है टोनी की वाइफ और बेटी के बारे में। नॉक्टर्नल एनिमल्स नाम की ये नॉवल एडवर्ड ने इतनी अच्छी लिखी थी कि अब सुजैन लोरा की जगह कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस करने लगी थी और वो इस नॉवल में पूरी तरह से डूब चुकी थी। उसे भी उस माँ और बेटी की चिंता होने लगी थी। आगे सुजन अपने हस्बैंड हुटन को कॉल करती है क्योंकि हुटन न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उसे कॉल करने वाला था पर उसने कॉल नहीं किया था। हुटन कॉल अटेंड करता है और सुजन उससे कहती है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तब हुटन कहता है मुझे लगा तुम सो रही होगी और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। हुटन लिफ्ट में जा रहा होता है तब उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसका हुटन के साथ अफेयर चल रहा था। तब लिफ्ट मैन उस लड़की को कहता है मैम आपका फ्लोर आ चुका है। ये सुनते ही हुटन सुजन से कहता है मेरा फ्लोर आ चुका है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और सुजन भी समझ जाती है कि रात के 4 बजे हुटन किसी लड़की के साथ है। हुटन सुजन को धोखा दे रहा था इसलिए वो कई दिनों से उसके साथ अच्छे से बात भी नहीं कर रहा था, इसलिए सुजन फोन रख देती है। अब सुजैन वापस उस नॉवेल को पढ़ने लगती है। रे टोनी की गाड़ी में लोरा और इंडिया को ले जा चुका था। तब लू टोनी को अपनी गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहता है और उसे उसकी गाड़ी का पीछा करने के लिए कहता है। टोनी कार ड्राइव करने लगता है पर उसे दूर दूर तक भी वो गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। तब लू टोनी को वहीं से दूसरे रास्ते में चलने के लिए कहता है। टोनी लू की बात को मानकर उस रास्ते पर चलने लगता है पर वहां कच्ची सड़क थी और अंधेरे में टोनी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफी दूर तक गाड़ी चलाने के बाद आगे रोड भी नजर नहीं आ रही थी। तब टोनी गाड़ी को रोक देता है और लू टोनी को धक्का देकर उस गाड़ी से उतारकर गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। अब टोनी उस जगह पर अकेला था और वो रोड खोजने में लग जाता है। कुछ देर पैदल चलने के बाद टोनी को रे की गाड़ी वहीं आती हुई नजर आती है जिसे देखकर टोनी वहीं पत्थरों के बीच छिप जाता है
और रे और लू गाड़ी से निकलकर टोनी को आवाज लगाने लगते है, पर टोनी कोई जवाब नहीं देता, वो छुपा हुआ था। तब रे लू से कहता है, तुमने उसे यहाँ पर क्यों छोड़ा, और रे लू को लेकर गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। रे और लू टोनी को वापस मारने के लिए आए थे ताकि वो पुलिस को कुछ भी ना बता सके। रे और लू की गाड़ी जाने के बाद टोनी भी वहाँ से जाने लगता है। टोनी पूरी रात भटकता है और अब सुबह हो चुकी थी और टोनी को भी हाईवे मिल जाता है। हाईवे पर चलते चलते टोनी वहीं बने एक घर तक पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचकर वहाँ से पुलिस को कॉल करता है। आगे टोनी पुलिस में कंप्लेन करता है और पुलिस टोनी से कहती है, आपको कुछ दिन यहीं पर टेक्सास में रहना होगा ताकि हम इस केस पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सके। टोनी पुलिस की बात मानकर वहीं बने एक मोटेल में रूम ले लेता है। आगे मोटेल रूम के अंदर हम टोनी को देखते हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत गिल्ट में था और कहीं ना कहीं टोनी इन सबका अपने आप को ही जिम्मेदार मान रहा था। अगले दिन बॉबी नाम का एक पुलिस ऑफिसर टोनी के पास आता है जो कि टोनी के केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला था। आगे बॉबी टोनी से मिलकर उसे अपने साथ कार में ले जाने लगता है और बॉबी टोनी से सब कुछ पता करके उन लोगों के बारे में पूछता है, क्या उन लोगों के पास गन थी। तब टोनी कहता है, नहीं उनके पास गन नहीं थी। तब बॉबी पूछता है, उन लोगों के पास कार कौन सी थी। तब टोनी कहता है, शायद वो मेरी कार जैसी कार थी, मुझे नहीं पता वो कौन सी कार थी। आगे टोनी पुलिस को जगह बताता है जहाँ से सुबह वापस उसे हाईवे मिला था। तब पुलिस टोनी के साथ पैदल पैदल उस रास्ते पर जाने लगती है और पुलिस को वहीं एक जगह पर सोफे पर टोनी की वाइफ और उसकी बेटी की लाश मिल जाती है। उन दोनों की लाश नग्न अवस्था में सोफे पर पड़ी हुई थी। उन लोगों ने उन दोनों का ही रेप करके उन्हें मारकर वहीं छोड़ दिया था और ये सब दृश्य अपनी आंखों के सामने देखकर टोनी की पूरी दुनिया हिल जाती है और नॉवेल का ये हिस्सा पढ़कर सुजैन भी सोच में पड़ जाती है और इसलिए सुजैन अपनी बेटी समांथा को कॉल करती है। तब समांथा अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और वो बिल्कुल ठीक थी। तब समांथा सुजैन से कहती है, मामा संडे है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, और ऐसा कहकर समांथा फोन कट कर देती है। आगे सुजैन अपनी जिंदगी की पुरानी बातों को याद करने लगती है। जब कॉलेज के बाद न्यूयॉर्क में एडवर्ड और सुजैन मिलते हैं, वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं क्योंकि वो लोग एक दूसरे से कई सालों बाद मिले थे, जिसके बाद वो दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे से कई सारी बातें करते हैं। तब एडवर्ड सुजैन को बताता है कि मैं कॉलेज के समय से तुम्हें प्यार करता हूँ, इसी कारण मैं तुम्हारे भाई कूपर के साथ रहता था ताकि हर समय मैं तुम्हें देख सकूं। इस प्रकार से एडवर्ड और सुजैन एक दूसरे के बारे में काफी सारी बातें करते हैं। आगे सुजैन के वापस प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है और वो वापस उस नॉवेल को पढ़ने लगती है। टोनी अब दुखी होकर पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रहा होता है, तभी वहाँ पर बॉबी आता है और बॉबी टोनी से कहता है, तुम्हारी जैसी घटना किसी और के साथ भी हाईवे पर हुई है, तुम्हारी वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और हमें उनकी डेथ का कारण पता चल चुका है। तुम्हारी वाइफ के सर में एक बड़ा घाव का निशान मिला है, उन पर किसी हैमर या बेसबॉल बैट से हमला किया गया है और तुम्हारी बेटी को दम घोट के मारा गया है और मारने से पहले उन दोनों का ही रेप किया गया था। ये सब सुनकर टोनी रोने लगता है। तब बॉबी कहता है, हमें वो गाड़ी भी मिल चुकी है जिसके बारे में तुम बता रहे थे, उसमें हमें आपकी वाइफ के फिंगरप्रिंट मिले हैं कई जगह पर। नॉवेल में ये सब पढ़कर सुजैन वापस पिछले दिनों को याद करने लगती है। सुजैन अपनी मॉम से एडवर्ड के बारे में बात करने जाती है कि वो उनसे शादी करना चाहती है, लेकिन सुजैन की माँ सुजैन को एडवर्ड से शादी करने के लिए साफ मना कर देती है और वो कहती है, एडवर्ड अभी तुम्हें अच्छा लगता होगा लेकिन बाद में तुम उससे नफरत करने लगोगी क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सके। अभी जो बातें तुम्हें एडवर्ड में अच्छी लग रही है, बाद में इन्हीं सब बातों से तुम नफरत करने लगोगी और फिर इन सबके साथ साथ तुम एडवर्ड को भी दुख दोगी। यह सुनकर सुजैन अपनी माँ से कहती है, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, और सुजैन ने अपनी माँ के फैसले के खिलाफ एडवर्ड से शादी कर ली थी। इन सारी बातों को याद करने के बाद सुजैन एडवर्ड को ईमेल करती है और उस ईमेल में सुजैन लिखती है, मैंने तुम्हारी नॉवेल पढ़ी और इस नॉवेल ने मुझे झकझोर दिया, तुमने बहुत ही अच्छा लिखा है, मैं ट्यूजडे को इवनिंग में तुमसे मिलना चाहती हूँ, और ये सब लिखकर सुजैन ईमेल सेंड कर देती है। सुजैन एडवर्ड की नॉवेल पढ़कर सचमुच इम्प्रेस हो चुकी थी और कहीं ना कहीं वो वापस पुरानी बातों को याद करने लगी थी। धीरे धीरे सुजैन का एडवर्ड के प्रति पुराना प्यार जाग चुका था। अब इसके बाद सुजैन वापस उस नॉवेल को पढ़ने लगती है और नॉवेल की कहानी में बॉबी नाम का वो पुलिस ऑफिसर टोनी को कॉल करता है। बॉबी ने टोनी को कुछ फोटो भेजी थी ताकि वो रात वाले बदमाशों को पहचान सके। तब बॉबी टोनी को पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। दरअसल एक जगह पर चोरी हुई थी जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था। तब बॉबी उन सभी अपराधी को बुलाता है और वो टोनी से पूछता है, क्या इन लोगों में से वहां पर वो मौजूद था। तब टोनी तुरंत उनमें से लू नाम के आदमी को पहचान जाता है और वो बॉबी को कहता है, ये वही आदमी है जिसने उस रात कार मुझसे जबरदस्ती ड्राइव करवाई थी।
तब बॉबी लू से रे और टर्क के बारे में पूछता है जो उनके साथ उस रात शामिल थे। नॉवेल की स्टोरी में आगे बॉबी टोनी को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और बॉबी टोनी को एक घर के पास ले जाता है जहां घर के बाहर रे मौजूद था और बॉबी टोनी से कहता है यही रे मार्कस है, ये प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। हमें इसके फिंगरप्रिंट नहीं मिले पर हम पूरी तरह से श्योर है कि ये उस रात वहां पर मौजूद था। इसके रिकॉर्ड भी पूरी तरह से क्लीन है, अगर हम इस पर रेप चार्जेस लगाएंगे तो भी ये बच जाएगा। क्या ये भी वैसा दिखाई देता है जो उस रात उन लोगों के साथ मौजूद था? तब टोनी कहता है हाँ ये उस रात मौजूद था। आगे बॉबी रे के पास जाकर उससे पूछता है मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। आगे टोनी गाड़ी चला रहा होता है और बॉबी रे के साथ टोनी के पीछे बैठा होता है। बॉबी सबसे पहले उस कार के बारे में सवाल पूछता है जिसके अंदर वो बैठे हुए थे क्योंकि ये वही कार थी जिसमें टोनी और उसकी फैमिली टेक्सास में आई थी। बॉबी रे से पूछता है क्या तुम इस कार को जानते हो? तब रे उस कार को पहचानने से साफ इनकार कर देता है। तब बॉबी पूछता है जो आदमी गाड़ी चला रहा है इसका नाम टोनी है, क्या तुम इसे जानते हो? ये सुनकर रे कहता है मुझे इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। तब बॉबी टोनी को गाड़ी रोककर उसका चेहरा दिखाने के लिए कहता है। टोनी गाड़ी रोककर अपना चेहरा दिखाता है और रे टोनी को पहचानने से साफ इनकार कर देता है। तब टोनी रे को याद दिलाता है कि उसने उसके साथ क्या किया था, किस तरह से उसने उसकी गाड़ी को टक्कर मारा और उसकी वाइफ और उसकी बेटी को हरास किया और फिर तुम लोगों ने उनका रेप करके उन्हें मार दिया, मैं जानता हूँ तुम उनमें से एक हो। ये सब सुनकर बॉबी रे को हथकड़ी लगा लेता है और उसने टोनी की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। आगे वो टोनी को वहां से गाड़ी ले जाने के लिए कहता है। आगे टोनी गाड़ी चलाकर उस जगह पर लेकर आता है जहां पर रे ने लोरा और इंडिया का रेप किया था। बॉबी रे को बेड दिखाता है जहां पर उन लोगों ने रेप किया था पर रे बार बार यही बोल रहा था उसने किसी का रेप नहीं किया। टोनी रे से सवाल पूछता है पर रे अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है। तब टोनी रे को एक पंच मारता है और रे वहीं गिर जाता है। ये पढ़ते ही सुजेन का ध्यान थोड़ा भटक जाता है और आगे सुजेन नॉवेल को पढ़कर वापस एडवर्ड और उसके रिश्ते के बारे में याद करने लगती है। शादी के बाद एडवर्ड और सुजेन साथ रहने लगे थे, तब एडवर्ड ने एक नॉवेल लिखी थी और उसे सुजेन को पढ़ने के लिए कहा था। तब सुजेन एडवर्ड से कहती है इस नॉवेल को थोड़ा अलग तरह से लिखना चाहिए था ताकि ये और इंटरेस्टिंग बन सके। ये सुनकर एडवर्ड थोड़ा भड़क जाता है और वो सुजेन से कहता है तुम इसे क्रिएटिवली नहीं पढ़ पा रही हो। तब सुजेन कहती है क्योंकि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। तब एडवर्ड कहता है तो तुम्हें इस नॉवेल में गलतियां भी नहीं निकालनी चाहिए थी, मैं रात भर से इस नॉवेल को लिख रहा था और मैं इसे वापस नहीं लिखने वाला। ऐसा कहकर एडवर्ड वहां से चला जाता है। अब सुजेन वापस उस नॉवेल को पढ़ने लगती है तो आगे की कहानी में बॉबी टोनी को कॉल करता है और बॉबी टोनी को कहता है रे को जल्दी छोड़ दिया जाएगा क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये सुनकर टोनी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे उसकी बेटी और वाइफ को इंसाफ दिलाना था। आगे टोनी बॉबी से आकर मिलता है, तब बॉबी टोनी को कहता है मुझे लंग कैंसर है और मैं एक साल के भीतर ही मारा जाऊंगा। पुलिस डिपार्टमेंट वाले इस केस से मुझे हटा रहे और मेरी जगह किसी और ऑफिसर को अपॉइंट किया जाना है, पर हमारा क्वेश्चन ये है तुम्हें जस्टिस चाहिए, क्या तुम ये चाहते हो? तब टोनी कहता है हाँ मैं चाहता हूँ पर कैसे? तब बॉबी कहता है ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया, मैं रे और उसके साथी को उसी के अड्डे पर लेकर आऊंगा जहाँ पर उन्होंने तुम्हारी वाइफ और बेटी का रेप किया था। वहाँ पर तुम उन लोगों से बदला ले सकते हो, तुम्हें इन्हें एहसास दिलाना होगा कि तुम्हारी वाइफ और बेटी को कितना दर्द हुआ होगा। तब टोनी भी उन लोगों से बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब सुजेन वापस नॉवेल की कहानी को छोड़कर अपने और एडवर्ड के बारे में सोचने लगती है। सुजेन और एडवर्ड साथ में रहते थे पर उनके बीच में बहुत बहस हुआ करती थी। तब एक दिन सुजेन एडवर्ड से कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तब एडवर्ड सुजेन को बहुत समझाने की कोशिश करता है, ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। तब सुजेन कहती है मैं खुश रहना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तब एडवर्ड कहता है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया नहीं, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? तब सुजेन उस बात का कोई जवाब नहीं देती और वो वहां से चली जाती है। एडवर्ड उसे समझा नहीं पाता और सुजेन के जाने के बाद वो भी दुखी होता है। एडवर्ड के बारे में ये सब याद कर सुजेन रोने लगी थी कि उसने उसे दुखी किया। इसके बाद सुजेन वापस नॉवेल की कहानी को पढ़ने लगती है। मूवी के अगले सीन में बॉबी पुलिस वालों की हेल्प से रे और लू को पकड़ लेता है और वो पुलिस वाले रे को एक सुनसान जगह पर बने हुए मकान पर छोड़कर चले जाते। आगे बॉबी रे को हथकड़ी लगाकर पलंग पर धक्का देता है और उस पर गन अड़ाता है। तभी बॉबी को बीमार होने के कारण उल्टी आने लगी थी तो वो अपनी गन टोनी को देकर वहां से चला जाता है। बॉबी वापस आता है तब रे उसे कहता है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आकर लू को भी वहां पर छोड़कर जाता है और तब बॉबी टोनी के सामने रे को भी खड़ा कर देता है और कहता है तो बताओ टोनी तुम इनके साथ क्या करना चाहते हो, इन्हें मार दो। पर टोनी के हाथ कपकपा रहे थे, वो उन्हें नहीं मार पा रहा था।
तभी बॉबी को वापस उल्टी आती है और वो करने चला जाता है और ये मौका देखकर लू और रे वहाँ से भागने लगते हैं। तब तक बॉबी भी बाहर आकर टोनी से गन लेकर लू को वहीं पर मार देता है। सुजैन का वापस ध्यान भटक जाता है। अब मूवी में वापस सुजैन सब कुछ अपने बारे में याद करने लगती है जब उसने एडवर्ड को छोड़ दिया था और वो हुटन के साथ समय बिताने लगी थी। सुजैन के पेट में हुटन का बच्चा था जिसे सुजैन और हुटन ने अबॉर्शन के द्वारा गिरवा दिया था। आगे वो दोनों कार में बैठे होते हैं और सुजैन हुटन से कहती है, मुझे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने एक बच्चे को गिरा दिया। तब हुटन सुजैन से सॉरी कहता है कि उसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। तब सुजैन कहती है, मैं अपनी जिंदगी में एडवर्ड से नजरें कभी नहीं मिला पाऊंगी ये जानने के बाद कि मैंने उसके बच्चे के साथ क्या किया। तब हुटन कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। ये सुनकर सुजैन हुटन के गले लगती है। तभी वो दोनों देखते है कि उनकी कार के सामने एडवर्ड खड़ा हुआ था और एडवर्ड को पता चल चुका था कि सुजैन ने उसके बच्चे को गिरा दिया है। आगे वापस सुजैन उस नॉवेल की कहानी को पढ़ने लगती है। बॉबी के लू को मारने के बाद टोनी बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो चाहकर भी लू को अपने हाथों नहीं मार पाया। वो चाहता था कि लू उसके हाथों मारा जाए पर वो उसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया और टोनी बार बार चिल्ला रहा था, मुझे इन्हें रोकना चाहिए था। तब बॉबी टोनी के पास आता है और उसे कहता है, कोई बात नहीं, तुम अच्छे आदमी हो, चलो हमें रे को पकड़ना है। रे यहाँ से भागता हुआ किसी से लिफ्ट मांगेगा, हमें उसे लिफ्ट मिलने से पहले पकड़ना है। तुम्हें कच्चे रास्ते पर जाकर उसे ढूंढना है, मुझे शक है कि वो वहीं पर होगा जहाँ पर वो तुम्हारी बेटी और वाइफ को ले गया था और मैं हाईवे की तरफ जाकर उसे ढूंढूंगा। बॉबी अपनी गन टोनी को देकर उसे वहाँ पर जाने के लिए कहता है और बॉबी खुद रे को ढूंढने हाईवे की तरफ चला जाता है। आगे टोनी कच्चे रास्ते की तरफ रे को ढूंढने निकल जाता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर रे टोनी की वाइफ और बेटी को लेकर गया था। तब टोनी गाड़ी से उतरकर उस शेड के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे रे मिल जाता है जो कि पलंग पर लेटा हुआ था। तब रे टोनी से पूछता है, तुमने लू के साथ क्या किया? तब टोनी कहता है, वो मारा गया। यह सुनने के बाद रे थोड़ा हिल जाता है और उसके बाद वो टोनी को उकसाने लगता है। वो कहता है, तुम नहीं जानते लोगों को मारने में कितना मजा आता है, और ऐसा कहते हुए रे बेड के नीचे से रॉड निकाल लेता है। तब टोनी कहता है, तुम्हें लोगों को मारने में मजा आता है, चलो बाहर चलो। तब रे टोनी से कहता है, मुझे तुम्हारी वाइफ याद है, वो बहुत कमजोर थी और तुम भी उसी की तरह कमजोर हो। रे के ऐसा कहते ही टोनी उस पर गोली चला देता है और उस पर एक के बाद एक दो गोली फायर करता है। तब रे भी अपने हाथ की रॉड को टोनी के ऊपर दे मारता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी थी और टोनी को होश आता है तो टोनी के चेहरे पर उस रॉड का घाव बना हुआ था और टोनी ठीक से कुछ देख भी नहीं पा रहा था। टोनी के पास गन थी और वो अपने आसपास की जगह को महसूस करने लगता है। तभी वो रे की बॉडी से टकराता है और रे की बॉडी को हाथ लगाकर टोनी समझ जाता है कि उसने अपना बदला ले लिया। उसने रे को मार दिया पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसके आसपास कोई मौजूद भी नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर बॉबी भी अब तक वहां पर नहीं आया था क्योंकि वो चाहता था कि टोनी अपना बदला खुद ले, इसलिए उसने जानबूझकर टोनी को अकेले गन देकर यहाँ पर भेजा। अब टोनी घर से बाहर निकलता है और वो हवा में फायर करता है और टोनी नीचे गिर जाता है। तब टोनी को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और वो कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। तभी टोनी की गन से एक गोली और चलती है जो कि टोनी के ही पेट में जा लगती है और टोनी भी वहां मारा जाता है। सुजैन भी इस नॉवेल को पढ़कर रोने लगती है और वो एडवर्ड को याद करने लगती है। अब उसी रात सुजैन सोई होती है तभी उसे टोनी का मेल आता है और टोनी उससे मिलने की जगह और टाइम पूछता है। आगे सुजैन तैयार होकर एडवर्ड से मिलने के लिए जाती है और वो बहुत खुश भी थी। सुजैन रेस्टोरेंट में जाकर एडवर्ड का वेट करने लगती है पर वहां पर बहुत देर तक एडवर्ड नहीं आता और सुजैन वहां पर अकेले बैठी रहती है। अब तक सुजैन भी समझ जाती है कि एडवर्ड अब उससे मिलने नहीं आने वाला। ये जानकर सुजैन का मुंह रोने जैसा हो गया था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों को मूवी का एंड समझ नहीं आया होगा पर इस मूवी के एंड में ही इस मूवी से जुड़ा बहुत बड़ा मैसेज छिपा है। इस मूवी में एडवर्ड ने एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम था नॉक्टर्नल एनिमल और ये नॉवेल मूलतः रिवेंज पर आधारित थी। ये नॉवेल एक्चुअल में एडवर्ड ने अपनी जिंदगी को ही ध्यान में रखकर लिखी थी। जिस प्रकार टोनी ने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को खो दिया था, उसी प्रकार रियल लाइफ में एडवर्ड ने भी अपने बच्चे और अपनी वाइफ को खो दिया था। सुजैन उसे छोड़कर चली गई थी और उसने उसके बच्चे को भी गिरा दिया था। और जिस प्रकार नॉवेल की स्टोरी में टोनी किसी भी सूरत में अपनी वाइफ और अपनी बेटी के किलर से बदला लेना चाहता था, वो अकेला पड़ चुका था। उसी प्रकार से रियल लाइफ में एडवर्ड भी सुजैन से बदला लेना चाहता था और वो भी अकेला पड़ चुका था। उसने भी वापस शादी नहीं की थी, इसलिए सुजैन जब जब इस नॉवेल को पढ़ने लगती थी उसे अपनी जिंदगी याद आने लगती थी। जिस प्रकार से किलर ने टोनी के साथ अच्छा नहीं किया था
उसी प्रकार से सुजैन ने भी एडवर्ड के साथ रियल लाइफ में अच्छा नहीं किया था और इस नॉवेल को पढ़कर सुजैन को अपनी जिंदगी याद आने लगती है। इसलिए जब वो टोनी की बेटी के बारे में पढ़ती है तो वो अपनी बेटी को कॉल करती है और जिस प्रकार से टोनी ने अपनी बेटी और वाइफ के किलर का बदला लिया था उन्हें मारकर, उसी प्रकार से एडवर्ड सुजैन से अपना बदला लेता है उसे अकेला छोड़कर, ताकि सुजैन को पता चल सके कि अकेले रहने का दर्द कितना बड़ा होता है। नॉवेल को पढ़ते पढ़ते सुजैन वापस एडवर्ड को चाहने लगी थी और इसलिए वो एडवर्ड को याद भी कर रही थी और वो एडवर्ड से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड भी थी। पर जब एडवर्ड उससे मिलने नहीं आता तो उसे एहसास हो जाता है कि जैसे सुजैन ने एडवर्ड को छोड़ा था वैसे ही एडवर्ड ने हमेशा के लिए सुजैन को छोड़ दिया है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।